सावन के सोमवार बहुत ही शुभ माने जाते हैं, परंतु सावन का प्रत्येक दिन बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ साथ सावन का बृहस्पतिवार सौभाग्य बनाने में बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को ही माना गया है। साथ ही ये देवताओं के गुरु भी माने गए हैं। यह सुख संपत्ति और धन देने वाले देवता बताए गए हैं। साथ ही यह ज्ञान विज्ञान और शिक्षा को देने वाले देवता भी बताए गए हैं। पुष या पौष के महीने को छोड़कर आप बृहस्पति देवता की पूजा कभी भी कर सकते हो। इनकी पूजा शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से आप शुरू कर सकते हो। सावन में भगवान शिव और बृहस्पति की पूजा आप सुबह या संध्या के समय किसी भी वक्त कर सकते हो। माना जाता है कि सावन में गुरुवार के दिन भगवान शिव ताड़केश्वर बनकर दुर्भाग्य को दूर कर देते हैं। आइए जानते हैं कि सावन वाले गुरुवार को हमें क्या करना चाहिए। गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहने और भगवान शिव की पूजा करने के लिए पीले रंग का आसन बिछाएं। उसके बाद हल्दी डालकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अपने मन में अपनी मनोकामना भूलें। साथ ही पीले फूल चढ़ाएं और पीले चंदन से शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाएं। इसके बाद पीतल के लोटे में पानी और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके उपरांत भगवान शिव को केले का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान शिव का मंत्र जाप करें, ओम स्त्रोम तड़केश्वराय रुद्राय नमः दुर्भाग्य नशाय नशाय फट। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे दिनों में कपड़े धोना, दाढ़ी बनाना या बाल कटवाना वर्जित माना गया है। ऐसे समय में साधु संतों की सेवा करनी चाहिए और अपने बड़े बूढ़ों की भी सेवा करनी चाहिए। उनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें किसी तरह का कष्ट देना चाहिए। उनकी जितनी सेवा हो आप कर सकते हो करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और बृहस्पति देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही वे अपने भक्तों के समस्त दुखों को दूर कर देते हैं, उनका दुर्भाग्य दूर करके उन्हें सौभाग्य में बदल देते हैं। साथ ही उनकी धन लक्ष्मी की वृद्धि करते हैं और उनका अन्न और धन के भंडार सदा भरते रहते हैं। भगवान बृहस्पति और भगवान शिव की पूजा हमें बहुत श्रद्धा से करनी चाहिए। ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। हमारी यही कामना है कि भगवान शिव और बृहस्पति देवता आपके ऊपर अपनी कृपा सदा बरसाए रखें। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।